लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। हम इनके ये बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। हम दोनों बाप बेटा भी खड़े हैं, पूरी मेरी पार्टी भी खड़ी है। जमहूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठप्पे मार के दोबारा इनसे ये इलेक्शन जीतेंगे। लाडले के फटे ढोलों से डरने वाले नहीं, ओछे हथकंडों का डटकर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी की नोडेरों में ललकार, ये हुकूमत कर सकते हैं ना मुल्क चला सकते हैं। जमहूरी तरीके से मुकाबला करके दोबारा जीतेंगे। साबिक सदर का बेनजीर भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। फैसला किया है कि 172 लोग जो कि उस GIT का हिस्सा है, उसमें उन तमाम के नाम जो हैं वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाले जाएंगे। 172 लोगों में आसिफ जरदारी, सजाद अल्फा, मुराद निशा के नाम शामिल हैं। जाहिर है जरदारी साहब के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकता है। उनके वकील है, उनकी जानिब से बयान सोशल मीडिया पर चल रहा है, 31 तारीख से पहले आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो जाएगी। इंशाल्लाह आसिफ सरदारी फरियाल तालपुर समेत GIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालने का ऐलान। हुकूमत फ्रंट फुट पर आ गई। जिनका पैसा लूटा गया उन्हें ही कहा जा रहा है कि आओ एहतजाज करो। तहरीक इंसाफ के खिलाफ केसेस तो जबरदस्ती के हैं। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं और एक चिंगारी के सब कुछ राख कर देर में बदल सकती है। मुल्क की बागडोर एक ना तजुर्बकार के हाथ में दे दी गई है। मुल्क की बागडोर ना तजुर्बा के हाथ में है। वफाक की बुनियादें कमजोर हो गई। सिलेक्टेड वजीर आजम को अंदाजा ही नहीं एक चिंगारी सब कुछ राख कर सकती है। कान खोल कर सुन लो, साजिशों का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो का जारहाना अंदाज। क़यादत मुतमईन रहे, मुश्किल वक्त में सीना ठोक कर आगे बढ़ेंगे। फेडरेशन खत्म करने की साजिश नाकाम बना देंगे। हुक्मरानों ने गरीब के मुंह से निवाला भी छीन लिया। PP रहनुमाओं का नोडेरों में खिताब। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी पर वार। आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ का रेफरेंस समाप्त के लिए मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चंद रोज में तारीख मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि जिस कॉलोनी में शेख रशीद रहे वहां शहबाज शरीफ रहे, ये ना हो रात को मैं कोठा फलांग के चला जाऊं। मैं सोच रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं पब्लिक अकाउंट कमेटी की अपॉइंटमेंट के खिलाफ। राणा सनाउल्ला बदबूदार आदमी है, मुझे रुमाल ला के आना पड़ेगा। शहबाज शरीफ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नामंजूर। शेख रशीद का सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर। राणा सना पर भी तंज। लाहौर में मीडिया टॉक के दौरान मेहंदी और झूमर का तस्करा। 2019 अहम साल करा। जरदारी साहब खुद कहते हैं कि जेल मेरा ससुराल है, तो मुझे फ्यूचर बताने की क्या। जरदारी साहब ने तो मेहंदी शेंदी लगाई हुई है, झूमर पहना हुआ है। दुनिया सियासत का अहम तरीन साल 2019 है और इसमें पाकिस्तान की सरहदों पर मोदी छेड़ सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की दादी के साथ कोटलकपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। जावेद लतीफ, राणा तनवीर समेत लीगी रहनुमाओं की भी आमद। इनकी अक्सरियत 4 से 6 मेंबरों की है जो हलीफों पर मुश्तमिल है। PTI की अपनी तादाद 156 के करीब बनती है और बाकी सारे उधार और मांगे तांगे के लोग हैं और ये खेल किसी वक्त भी इनके हाथ से निकल सकता है। नून लीग को इन हाउस तब्दीली के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार। अपोजिशन जमातों से रबते। मस्नूई सेटअप ज्यादा देर चलने वाला नहीं। मुल्क को भिखारी बनाने वाला वजीर आजम ऑफिस में है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक।
पाक पतन दरबार राजी केस नवाज शरीफ के खिलाफ बनाई गई जीआईटी तब्दील, डीजी नेक्टा खालिद दादलक ने मौसत कर ली। डीजी एंटी करप्शन पंजाब डॉक्टर हुसैन असगर सरबराह मुकर्रर, सुप्रीम कोर्ट की 10 रोज में टीओआर देने की हिदायत। शहबाज शरीफ का मिनिस्टर इनक्लेव में एक बार फिर तिब्बी मुआयना, पिम्स के 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने एमआरआई समेत नए टेस्ट तजवीज कर दिए, रिपोर्ट्स आने पर इलाज आगे बढ़ाने का फैसला होगा। वफाकी काबीना का इजलास, चीनी मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी पर गौर, मईशत से मुतालिक टास्क फोर्स के कयाम और चेयरमैन एसईसीपी के तकर्रुर समेत 20 नुकात एजेंडे में शामिल। भारत सिफारती आदाब भूल गया, नई दिल्ली में पाकिस्तानी अहलकारों को फिर हिरासा करने का वाकया, वजारत दिफा ईमेल अकाउंट हैक करने की कोशिश में भी मुलव्वस, अफसरान के घर आने जाने वालों से पूछताछ, हाई कमीशन का भारतीय दफ्तर खारजा को मुरासला लिखकर एहतजा। पाकिस्तान में भारतीय सिफारतकारों को काम करने की मुकम्मल आजादी, हिरासत करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं, तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान, सजा पूरी करने वाले कैदियों की वतन वापसी के लिए इकदामात जारी। पाकिस्तान और बरतानिया में कैदियों के तबादले का मुआहदा तय, बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दाखिला ने दस्तखत कर दिए, एग्रीमेंट दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती का मजहर है, थॉमस फ्रियू की गुफ्तगू। कराची में मुत्तहिदा के साबिक एमएनए अली रजा आबदी का स्वयं अहम रहनुमाओं की शिरकत, कत्ल की तहकीकात में पेशरफ, मुल्जिमान एमटी खान रोड से पीछा कर रहे थे, नई सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर, 7 रुकनी कमेटी इंक्वायरी में मसरूफ। साबिक एमकेएम के रहनुमा अल्ताफ हुसैन की जिस तरीके से एक तकरीर बरतानिया में बैठ के यहाँ पे लोगों को कत्ल के अहकाम दिए गए, हेट स्पीच की गई, यूके की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, इसके ऊपर काबीना को तशवीश है। कराची की सूरत हाल अचानक खराब करने की कोशिश की गई, अली रजा आबदी का कत्ल भी इसी सिलसिले की कड़ी है, मुतहदा बानी की इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला बरतानवी हुकूमत के सामने उठाएंगे, फवाद चौधरी का ऐलान, लंदन इंतजामिया के फौरी एक्शन ना लेने पर इजहार तशवीश। नशेयों की फायरिंग से शहादत या मंसूबाबंदी के तहत कत्ल, कराची पुलिस के अहलकार की मौत मौमा बन गई, जख्मी सिपाही का सरकारी पिस्तौल गायब, बयान मशकूक, लगता है लाश लाकर लियारी एक्सप्रेस वे पर फेंकी गई, हुकाम को शुबा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रेलवे अराजी पर हाउसिंग सोसाइटियां बनेंगी, ना जमीन 30 साल से ज्यादा लीज पर दी जा सकेगी, चीफ जस्टिस का हुक्म, लाहौर में रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील, चार्ज ऑडिट कंपनी के हवाले, रिकॉर्ड कब्जे में लेने का हुक्म, शेख रशीद खुश। एक ऑडिट कंपनी फर्गुसन को चार्ज दे दिया है कि वो ऑडिट करें, सारे फंक्शन उसी तरह होंगे, कोई चीज़ रुकेगी नहीं, काम चलेंगे, सब चीज़ होगी, और रेलवे को इंशाल्लाह आज बहुत बड़ी चीफ जस्टिस साहब से इस कौम को, रेलवे को, 20 करोड़ लोगों को सहूलत मिली। चीफ जस्टिस ने यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली के लिए फंडरेजिंग मुहिम का आगाज कर दिया, 1 लाख इमदाद का ऐलान, 10 बरस की ऑडिट कराने और स्टेयरिंग कमेटी बनाने का हुक्म। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरअज़्म है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इरादा, सिपा सालार से अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी जनरल की मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मौसर सरहदी निज़ाम के क्याम पर इत्तेफाक।
कराची की पाकिस्तान मरीन्स अकेडमी में पासिंग आउट परेड। गुज़िश्ता आदवार में मैरीटाइम को अहमियत नहीं दी गई। इतना बड़ा कोस्टल एरिया और 3 बंदरगाहें हों तो मुल्क कर्ज लिया नहीं दिया करते हैं, वफाकी वजीर अली जैदी का खिताब। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम निशानाबाजी के मुकाबले 28 टीमों की शिरकत। पाक फौज की टीम ने सबको पछाड़ दिया पहले नंबर पर। और होशियार, अब बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगा दी। पंजाब भर में खिलाफ वर्जी करने वाले पंप सील करने का हुक्म। पिशावर में लबनाक सानिहा दीन बहार कॉलोनी में घर की छत गिरने से 3 बच्चे जां बहर, वालिद और वालिदा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची में डिफेंस पुलिस का एक्शन, कारों की चोरी में मुलविस मियां बीवी गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिमान तालीमी इदारों में मुनशियात सप्लाई करने में भी मुलविस। शहर कायद में एक और आग, गुलशन इकबाल में आतिश जब्ती। केडीए मार्केट के सुपर स्टोर की बेसमेंट पर लगी आग से लाखों का नुकसान, एक रजाकार बेहोश। सीएनजी सारफीन के लिए बुरी खबर। इस्लामाबाद और पंजाब में स्टेशन 13 रोज के लिए बंद करने का फैसला। 28 दिसंबर से 10 जनवरी तक गैस नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी खसूसी कमेटी कायम। तहरीक इंसाफ और बीएनपी से 3 अरकान शामिल। कमेटी सिफारिशात वफाकी हुकूमत के हवाले करे। ट्रंप का एरिया के साथ गैर ऐलानिया दौरा इराक। अमरीकी फौजियों से मुलाकात। इराक से इनखला का इम्कान मुस्तरद। शाम में इकदाम के लिए बगदाद को अगले महाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सदर ने इरादे बता दिए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आसिफ जरदारी ने कहा कि लाडले के फटे ढोलों ने आज फिर ललकारा है। मैं और बिलावल भुट्टो खड़े हैं, अदालतों समेत हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी की बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदाबख्श में गरज बरस कहते हैं कि जमहूरी तरीके से ठप्पे लगाकर दोबारा जीतेंगे। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीटीआई हुकूमत कर सकती है न मुल्क चला सकती है। पीपल्स पार्टी ने 100 दिन में मुशर्रफ को नौकरी से निकाल दिया था। मौजूदा हुकूमत को बातें करने के सिवा कुछ नहीं आता। लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हटकंदों से नहीं डरते। हमने पहले भी इन हटकंदों का मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। और जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, उसको इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे। और किसी पार्टी की इतनी हिम्मत नहीं है, मगर मेरे जियाले की इतनी हिम्मत है कि हम इनका मुकाबला करें। 100 दिनों में मैंने बीबी कार्ड दे दिया था। 100 दिनों में मैंने कीमतें बढ़ा दी थी वीट की। मैंने 100 दिनों में आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर दिया था। इनने 100 दिनों में कुछ किया ही नहीं है। मैंने मुशर्रफ से को नौकरी से निकाल दिया था, उसको प्रेसिडेंसी से निकाल दिया था। ये कहते हैं कि 100 दिन बहुत कम है, तो काम करने जानता हो उसके लिए बहुत है, जिसको आता ही कुछ नहीं उसके लिए बहुत है। तो इन सबके और इनके सबके ढोल खुले हुए हैं सवाए टीवी पे बकवास करने के, और इनको कुछ नहीं आता। हम इनसे मुकाबला करेंगे और जमहूरी तरीकों से मुकाबला करते हुए ठप्पे मार के दोबारा इनसे ये इलेक्शन जीतेंगे। इनको बड़ी मदद मिली है दुनिया के दोस्तों से, बेशक हम कबूल करते हैं, मिलनी भी चाहिए। पाकिस्तान को अगर कोई मदद करता है तो हमें कोई उस पर इतराज नहीं है, मगर उसके बावजूद इनसे चलाया नहीं जाए। हम सब भुट्टो हैं, हम सब लड़ने के लिए तैयार हैं। इनका मुकाबला करेंगे, कोर्टों में भी करेंगे, वैसे भी करेंगे। जहां ये आएंगे वहां हम लड़ेंगे, जिससे शुरू करेंगे वहां से हम खत्म करेंगे।
आसिफ जरदारी के इस खिताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का भी मौकिफ जानने की कोशिश करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ने आज क्या कहा। बिलावल भुट्टो ने भी आज खूब तीरंदाजी की और घड़ी खुदा बख्श में हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क की भाग दौड़ ना तजुर्बाकार के हाथ में है, विफाक की बुनियादें कमजोर हो गई। सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी हैं, और एक चिंगारी के सब कुछ राख कर देर में बदल सकती है। मुल्क की बागडोर एक ना तजर्बकार के हाथ में दे दी गई है। खान साहब, मुर्गी और अंडों से कौम की तकदीरें नहीं बदल सकती है। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने के लिए साबित कदम होना पड़ता है। इमरान तो वो कठपुतली है जो मुल्क में 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को मिलने वाले हकूक खत्म करना चाहता है। वो चाहते हैं कि मैं आवाम के हकूक पर सौदा करूं, वो चाहते हैं कि मैं गरीबों का बाप ना करो और इन कब्रों से गद्दारी करो, मगर मैं ये कभी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये करूंगा। ये मुझे इस नाम निहाद और यकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी दोरे तो कोई और हिला रहा है। गैर जानबदार हल्के ये सवाल कर रहे हैं कि ये क्या एहतसाब है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन के रहनुमा है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। सेनेटर फैसल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने भी। सबसे पहले हम रुक करेंगे सेनेटर फैसल जावेद का। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज आपने सुना बिलावल ने क्या कहा, आसिफ जरदारी साहब ने क्या कहा, किस तरह से देख रहे हैं आप? आज हमने भी सुना आसिफ जरदारी साहब जब बात कर रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया इन दोनों ने। जी हाँ, क्योंकि इनके करतूतों ने इनका साथ नहीं दिया और अवाम के साथ जो इन्होंने किया है उसका सब कुछ सामने आ गया, एक्सपोज हो गया कि ये क्या करते रहे हैं इस मुल्क के साथ। ऐसा तो कोई मुल्क का दुश्मन भी नहीं कर सकता जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। 10 साल में ये मुल्क को उधर लेकर के गए हैं। आप ये देखिए, एक सीधा किस्सा कॉन्सेप्ट है कि 1947 से लेकर 2008 तक जब तक इनकी पार्टनरशिप लगी सिर्फ 6,000 अरब रुपया कर्जा था। 10 सालों में ये चार्टर ऑफ करप्शन वालों ने मिल मिला के 24,000 अरब बढ़ाकर 30,000 अरब पे लेके गए हैं। सवाल ये है कि अवाम गरीब हुई है, ये अमीर हुए हैं, इनकी जदादे दौलते सब कुछ बाहर प्रॉपर्टीज ये इसकी, और ये अवाम को पता चला कि अवाम का पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, करप्शन करके इन्होंने इस तरह से ये पार्टनरशिप लगाई हुई थी कि ना तुम मुझे पकड़ोगे ना मैं तुम्हें पकड़ूंगा। लेकिन अब पाकिस्तान का रुख बदल गया है, उधर पाकिस्तान जा रहा है जहां पे करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग पे रोकथाम की जा रही है और इन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो गई हैं और ये पकड़े गए हैं क्योंकि सब कुछ इनका GIT में सारा कुछ सामने आ गया कि क्यों आज पाकिस्तान की अवाम गरीब से गरीब तर हुई है और एक खास तबका ये लोग आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ और इनके खानदान अमीर से अमीर तरीन हुए। ठीक है फैसल जावेद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फयाज साहब, आपने गुफ्तगू सुनी आज आसिफ अली जरदारी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की। आसिफ जरदारी की बात करें तो उन्होंने कहा कि 100 दिन बहुत होते हैं, हमने मुशरफ को निकाल बाहर किया 100 दिन में और जो काम करना जानता हूँ उनके लिए ये 100 दिन काफ़ी होते हैं, लेकिन जिन्हें काम ही नहीं आता उनके लिए 100 दिन भी कम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो जो है वो बिलावल जरदारी ने ये कहा कि इमरान खान साहब मुर्गी और अंडों के जरिए से मुल्क की तकदीर बदलने चले हैं, तो जनाब सिर्फ मुर्गी और अंडों से नहीं बल्कि करप्शन के संडों के जरिए से भी जो है ना हम तकदीर बदलने चले हैं। करप्शन के संडों को हम पकड़ेंगे, पकड़ के जनाब उनको पाबंद सलासल करेंगे। वो करप्शन के संडे के जो करप्शन कर करके फिट गए हैं बिल्कुल जनाब, आप इनके चेहरों की लालियाँ देखें और इनकी सुर्खियाँ देखें, ये मेरे और आपके टैक्सों का पैसा लूट लूट के इनके चेहरों पे जाने ये लालियां आई हैं और हमारा खून चूस चूस के इनके चेहरों पे ये लालियां आई हैं। दूसरी चीज, मैं आज आपके टीवी चैनल की वसात से चैलेंज देता हूं, चैलेंज कि आसिफ जरदारी साहब 48 सेंटीग्रेड की गर्मी
یا آپ کی جناب 5 سینٹی گریڈ کی سردی، اس میں 5 منٹ کے لیے مال روڈ کے اوپر، مری روڈ کے اوپر یا کسی پاکستان کے شہر پہ کھڑے ہو جائے اپنے اس احتجاج کے لیے، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ وہ ان کی شکلیں ہیں جنا یہ تحریکیں چلانے والی، یہ کرپٹ اور بددیانت اور ٹکے مار اور پیدا گیر لوگ ہیں، یہ نوسر باز اس ملک کو لوٹنے والے، اور یہ کنڈولیزا ریسی اور مساکے جمہوریت کی چھتری تلے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آنے شریف کے ساتھ ہم تم ہوں گے، بادل ہوگا، رقص میں سارا جنگل ہوگا کا ماحول بنانے والے، اور سنجیا اور گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق اس پاکستان کے خزانے کو لوٹنے والے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ دور چلا گیا جس دور میں خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب دور آ گیا عمران خان صاحب کا۔ عمران خان صاحب جناب یہاں پہ نہ تو کوئی بندر بانٹ کرنے لگے، نہ کوئی ڈیل کرنے لگے، نہ کوئی ڈیل کرنے لگے، نہ کوئی این آر او کرنے لگے، نہ کوئی مفاہمت کی سیاست کرنے لگے۔ اب احتسابی ادارے اور انویسٹیگیٹو ادارے آزادانہ ان کے خلاف بے باک اور بے لاگ احتساب اور تفتیش کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب، آج بلاول بھٹو نے جی آئی ٹی رپورٹ کو بالکل مسترد کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ اور صرف جھوٹ ہے اور ہم نہیں مانتے جی آئی ٹی رپورٹ کو۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آج جو جی آئی ٹی رپورٹ نے یقیناً شبانہ روز محنت کے بعد اور محدود وسائل کے باوجود جو اتنی اچھی رپورٹ تیار کی ہے، سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی، آج تو بلاول بھٹو زرداری نے اس رپورٹ کو ہی مسترد کر دیا سرے سے۔ اچھا، مجھے دنیا کا کوئی ترقی یافتہ معاشرہ ہو یا بیک ورڈ معاشرہ ہو، اس معاشرے کی عدالتوں میں کسی چور اور کسی ڈاکو کو کھڑا کر کے آپ اس کے اوپر فرد جرم لگائیں تو چاہے وہ ترقی یافتہ معاشرے کا چور اور ڈاکو ہوگا، چاہے وہ بیکورڈ معاشرے کا ہوگا، وہ یہ کہے گا جناب میں تو ڈاکو ہوں ہی، میں تو چور ہوں ہی نہیں، میں تو بڑا سادھو ہوں، میں تو بڑا شریف ہوں، مجھ سے زیادہ پرہیزگار اور متقی کوئی بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جناب انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا، ان سے پوچھو یہ چھیمے نائی کا، مودے کسائی کا، دربر حلوائی کا اور پپو نان بھائی کے جو اکاؤنٹس آ رہے ہیں باہر، جس میں اربوں کھربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، یہ کن کے ہیں؟ ان سے پوچھو یہ جو سمو نامی جناب محترمہ فریال تالپور کا ڈرائیور ہے، 6 ارب روپے کا اس کا جناب اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ ان سے پوچھو جناب یہ 500 ارب روپے کی ڈاکٹر عاصم کی کرپشن یہ کدھر گئی؟ ان سے پوچھو مخالفین کی شوگر ملوں پہ قبضے ہو گئے، مخالفین کی زمینوں پہ قبضے ہو گئے، قتل و غارت گری کی انتہا ہوگی پچھلے 10-15 سالوں میں سندھ کے اندر، یہ کس نے کی؟ اگر یہ سادھو ہے، یہ شریف ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پھر چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، ملک کس نے لوٹا ہے؟ چلے یہ صحیح۔ فیاض صاحب، ایک تو انہوں نے جی آئی ٹی کو مسترد کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کی جو باگ ڈور ہے وہ نہ تجربہ کاروں کے ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیں جی، اس کی بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، ہم تو نہ تجربہ کار ہیں، ہمیں نہ ملک لوٹنا آتا ہے، نہ منی لانڈرنگ کرنی آتی ہے، نہ کک ٹیکس لینی آتی ہے، نہ کمیشن کھانی آتی ہے، نہ مخالفین کی ٹانگوں پہ بات کے جناب 5-5 کروڑ کے تاوان لینے آتے ہیں بم باندھ کے، نہ ہمیں جناب بتاخوری کرنی آتی ہے، نہ کک جناب ہمیں بوری بند لاشوں کا پتہ ہے، ہمیں تو سمپل پتہ ہے خدمت کا، جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کے ملک اور قوم کے ساتھ محبت کا، تو ہم تو واقعی نہیں تجربہ کار ہے۔ بلاول اس حوالے سے تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ ان کے ہاں تجربہ کاری نام ہی لٹ مار کا ہے، ان کے ہاں تجربہ کاری ہے ہی جناب سفید وائٹ کالر کرائمز کا ہے، ملک کو لوٹنے کا ہے، ملک کا پیسہ حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ کے مزداق لوٹنے کا ہے، تو اس حوالے سے تو یہ تو بڑے تجربہ کار بھی ہیں اور فنکار بھی ہیں اور اداکار بھی ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ اچھا، تو آج بلاول بھٹو نے تو حکومت کی کارکردگی پر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ پولیس افسر کو شہید کرنے والوں کا پتہ نہیں ملتا لیکن میرے ناشتے کا بل ضرور مل جاتا ہے۔ اور جناب، جب آپ کے ناشتے کا، آپ کی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کا، آپ کے کتوں کا 50-50 ہزار کا خرچہ جانا وہ اومنی گروپ کرے گا، زرداری گروپ کرے گا، بلوچ گروپ کرے گا، کہ جو اومنی گروپ جو ہے وہ 56 ارب روپے کا جناب قرضے لے رہا ہو، 56 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کر رہا ہو، اربوں کھربوں روپے کی لوٹ مار کر رہا ہو، تو پھر پوچھا تو جائے گا نا جناب کہ سندھ کے تھر کے اندر رہنے والے سالانہ جو ہے نا 3-3-4-4 ہزار بچہ جو ہے نا وہ غربت کے مارے، فاقوں کے مارے اور گندا پانی پی کے اس دنیا سے چلا جائے، اور 10 سال سے یہ تھر کا ایشو نہ سالو کر سکیں، شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے جو ہے نا۔ آج جلسہ کرنے کا ان کا منہ تھا، ان سے پوچھو تھر کا ایشو، تم 10 سال سے ہر سال 3-4-5 ہزار بچہ جانا وہ مرتا ہے، یہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکے آج تک، اور آپ کے جناب کتے بھی جانا وہ 50-50 ہزار 60-60 ہزار کا جانا ایک دن کا جناب وہ ڈکار جائیں۔ اب جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تو یہ آنکھیں دکھاتے ہیں، لیکن آپ بیگام رہے، انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ ان کا حالت دیکھیں گے، ہاتھ جوڑ جوڑ کے یہ معافیا مانگیں گے جناب، ریاست سے بھی، ریاستی اداروں سے بھی۔
فیاض الحسن چوہان صاحب، جس طرح سے جے آئی ٹی کے جو اس میں انکشافات ہوئے ہیں، چشم کشا انکشافات، ان سے آپ بات کر رہے ہیں، ان پر بات کی آپ نے، تو جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ماہر قانون دان ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے جو رپورٹ بنائی ہے، یک طرفہ الزامات لگانا اب بہت آسان ہے. پیپلز پارٹی بھی کہتی کہ اس سے پہلے بھی جے آئی ٹی بنی، رپورٹس آئیں، لیکن ثابت کرنا بہت مشکل ہے. دیکھو بات سنو، اب کی دفعہ جو جے آئی ٹی بنی ہے نا، اس کے سارے جو کنٹینٹس آپ کے سامنے آئے ہیں، کس طریقے سے اومنی گروپ کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا تھا، کس طریقے سے بلوچ گروپ، کس طریقے سے زرداری گروپ، کس طریقے سے جو ہے وہ ساری لٹ مار، جعلی اکاؤنٹس، اب یہ بچنے والے نہیں ہیں. پہلے حکومت تھی ان کی آپس میں جناب 40 چوروں کی، علی بابا اس میں کوئی تھا نہیں. اب علی بابا آ گیا، علی بابا ان 40 چوروں کو پھڑکنے نہیں دے گا، ان کو ہلنے نہیں دے رہا، کیونکہ علی بابا جانا اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کو سنوارنا ہے، اپنے گھر کو سنوارنا ہے، اپنے گھر کو لوٹنا نہیں ہے، اپنے گھر کا بیڑا گھر نہیں کرنا، اپنے گھر کی اکانومی کا، اپنے گھر کے معاملات کا ستیہ ناش نہیں پھیرنا. کیونکہ علی بابا تو اپنے گھر سے مخلص ہوتا ہے نا، جو ہم نے آج تک جو ہے نا وہ سٹوری بھی سنی ہے. 40 چور جو ہے وہ اس گھر کے دشمن ہوتے ہیں. یہ 40 چوروں کا ٹولہ تھا. ان 40 چوروں نے با جماعت پورے اہتمام کے ساتھ اس ملک کو لوٹا. اب انشاءاللہ با جماعت بڑے جس کو احتشام کے ساتھ جانا احتساب کا جناب جوابدہی کریں گے، اور اس جوابدہی میں کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں ہوگی. تو یہی چیزیں تو ان کو جناب وہ چیخ رہے ہیں کہ اب معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں. ٹھیک ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار جناب حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حبیب اکرم صاحب، آصف زرداری آج یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پر جو تمام تر دباؤ ہے وہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل، اس طرح کی اطلاعات موجود ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے کئی ادارے یہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، کیونکہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں اور وفاق کے درمیان اختیارات کا عدم توازن پیدا ہو گیا، اور بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبوں میں کرپشن میں بھی اضافہ ہوا ہے، بالخصوص اس حوالے سے بلوچستان اور سندھ کا نام لیا جاتا ہے. اور 18ویں ترمیم کے بعض نکات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں غیر جانبدارانہ طور پر بھی دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید صوبوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو اچھی طرح چلا سکے، اس لیے اس میں کسی نہ کسی درجے میں ترمیم کی ضرورت ہے. لیکن بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا یہ پولیٹیکل نیریٹو ہے کہ 18ویں ترمیم سے صوبے امپاور ہوئے ہیں اور لہٰذا ان کی یہ طاقت جو ہے ان سے نہیں چھننی چاہیے، اور یہ پریشر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو احتساب کا یہ جو پریشر ہے یہ دراصل 18ویں ترمیم کے لیے، 18ویں ترمیم کو مزید بدلنے کے لیے، پیپلز پارٹی کو رام کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے. لیکن بہرحال یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا اور کہ پیپلز پارٹی آگے چل کے کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. لیکن سر دست آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت پیپلز پارٹی نے اپنے اوپر جو احتساب کے کیسز ہیں ان کا پولیٹیکل مقابلہ کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے، اور جو پولیٹیکل نیریٹو ترتیب دیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو میرے بھائی فیاض الحسن چوہان اور ابھی فیصل کی جو آپ گفتگو سنا رہے تھے، ان دونوں بھائیوں کی کوششوں کی وجہ سے اس پولیٹیکل نیریٹو میں جان پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف احتساب کو یوں سمجھ رہی ہے کہ جیسے وہ کر رہی ہے، حالانکہ احتساب کے ادارے الگ ہیں اور حکومت کے یقیناً یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ اداروں نے ہی آگے بڑھانا ہے، حکومت بذات خود کارروائی نہیں کر سکتی، اداروں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ان کے ہاتھ مضبوط کیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اس قسم کے جو منی لانڈرنگ کے کرپشن کے معاملات ہیں انہیں روک سکے. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب، اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے علاوہ میں جوائن کیا سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے بھی، آپ کا بھی بہت شکریہ. Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.